नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बब्बी कुकिंग चैनल पर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट इडली। बहुत ही यूनिक सा स्टाइल बताएंगे, आप इसको ब्रेकफास्ट स्नैक्स में बना के खा सकते हैं। बनाना बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही हेल्दी और बहुत ही चटपटा है। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। एक रख लेंगे बाउल, उस पर हम डालेंगे 2 कटोरी सूजी। ये बिल्कुल बारीक वाली सूजी है, आप कोई भी सूजी यूज कर सकते हैं। इसको चटपटा बनाने के लिए डालेंगे 2 चम्मच धनिया पत्ते की चटनी, जिसको हम ग्रीन चटनी भी बोलते हैं। साथ साथ लगाएंगे ऊपर से तड़का, 1 चम्मच तेल, 4 से 5 कड़ी पत्ते, इसको मैंने थोड़ा मोटे मोटे चॉपिंग कर लिए, और थोड़े से है काले सरसों। तड़का ऊपर से जरूर लगाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। 2 चम्मच डाल देंगे दही। अब इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इस पर हम डालेंगे थोड़े से गर्म पानी। गर्म पानी में बहुत जल्दी सूजी फूल जाता है, तो इसलिए मैं गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छे से चलाते हुए इसको मिक्स कर लेंगे इसी तरीके से। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे, तक अच्छी तरह ये फूल जाए। 5 मिनट के बाद फिर से इसको एक बार चला लेंगे। अब इस पर हम डालेंगे थोड़े से नॉर्मल पानी, लगभग छोटा कप के आधा कप। फिर से चलाते हुए इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसी तरीके से। अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, साथ साथ डाल देंगे 1/2 चम्मच इनो। फिर से इसको अच्छे से चलाते हुए इसे फेंट लेंगे इसी तरीके से। ये अच्छी तरह फेंट चुका है, ये आप घोल का थिकनेस देख सकते हैं, ना ज्यादा गाढ़े है ना ज्यादा पतले। अब रख लेते हैं इडली के साचा, उसमें हम डालेंगे 1-1 ड्रॉप तेल। अब एक ब्रश के मदद से इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारी इडली चिपके ना। 2 कटोरी सूजी में 16 इडली बनके तैयार होगा। 1-1 करछी डाल देंगे इस तरीके से। बाकी बचे सब में इसी तरीके से हम डाल देंगे, ये देख सकते हैं। अब रख लेंगे इडली वाले कुकर, उसमें डालेंगे थोड़े से पानी। अब रख देंगे इसको गैस पे 15 मिनट के लिए, मीडियम टू हाई फ्लेम पे। 15 मिनट में अच्छी तरह हमारी इडली बनके तैयार हो जाएगा। 15 मिनट के बाद इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसका कुकर खोल के एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, देख के लग रहा है हमारा इडली बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। मैं आपको निकाल करके दिखा देता हूं। ये देखिए, एक चक्कू की मदद से इसको बड़ी आसानी से हम निकाल लेंगे इस तरीके से। वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक जरूर करें। ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये इडली, आप भी बनाइए और हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कैसा लगा आपको ये इडली का रेसिपी? आप इस इडली को इसी तरीके से खा सकते हैं, ये बहुत ही चटपटा लगता है। चाहे तो आप सॉस का इस्तेमाल करिए या सांभर के साथ भी खा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें। अगर रेसिपी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे रखिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बड़ी आसानी से आप तक पहुँच जाए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ध्यान रख के ख्याल रख के। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।